हाँ रोहन, कैसा है नैनीताल? पर सबके साथ ही जाना, ठीक है? अकेले नहीं। पापा अभी सो रहे हैं, उनको नहीं जगा सकती। रोहन, तुम्हारी आवाज कट रही है, वापस बोलो बेटा। हेलो हेलो रोहन, मैं यहां से गुजर रहा था तो सोचा कि तुमसे मिल लूं। ढूंढ रही हो कुछ? एक फोन नंबर। मैं हेल्प कर देता हूं। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। फाइल कौन से रंग की थी वैसे? फाइल का रंग याद नहीं है, बस इतना याद है कि रेड पेन से लिखा था और उसके नीचे सकीना लिखा होगा। ये हो चुका है। एक काम करो, तुम उसमें देखो। ये सकीना तुम्हारी क्लाइंट है? हाँ, वो अरुण की बेटी। और केस क्या है? रेनु, मैं तय कर चुका हूं कि मैं शराब को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। जो भी हुआ वो अब दोबारा नहीं होगा। ये पहली बार नहीं था। मैं जानता हूं कि सॉरी का कोई मतलब नहीं है, बट आई एम रियली सॉरी रेनू। मुझे नौकरी मिल गई है। घर की चाबी है। दो दिन बाद रोहन वापस आ जाएगा, प्लीज उससे पहले घर आ जाना। हेलो, तुम्हारे पास सकीना का नंबर है? हेलो हेलो हेलो, अब सुनाई दे रहा है? हेलो, कोई बात नहीं, मैं बाद में कॉल करती हूँ। तुम्हारा ही नंबर ढूंढ रही थी। चलो अंदर चल के बात। नहीं, बस इतना बोलना है कि ये केस नहीं लड़ना मेरे को। मतलब
मेरी बेटी झूठ बोले मेरे को। कोई लड़की ऐसा झूठ क्यों बोलेगी? ऐसी कम उम्र में बच्चों को कहाँ ही मालूम पड़ता मैडम। उन्होंने गुस्से में दो झापड़ लगा दिए तो ये भी अपने अब्बू पे इल्जाम लगा दी। दो झापड़ के लिए इतना बड़ा इल्जाम? आप ऐसे केस खारिज कर दो मैडम। सकीना, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि आयशा ने झूठ बोला था? आयशा तुम बताओ, मेरी तरफ देखो। चल सकीना रुको, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये आयशा की जिंदगी का सवाल है। अगर तुम बोलो तो मैं किसी एनजीओ से बात करके आयशा को किसी चिल्ड्रंस होम में भर्ती करवा सकती हूँ। मेरे बाकी बच्चों का क्या मैडम? अल्फिया 5 साल की है, छोटी। 1 साल का इमरान है घर पे। उन लोग को भेज दे चिल्ड्रंस होम में। मेरी कौम वाले क्या बोलेंगे कि मैं ही बिगाड़ी ना इनकी जिंदगी? तो क्या जाने दे उसे, फिर करेगा वो ये। वो माफी मांग लिए हैं, नहीं करेंगे बोला आगे से। कसम खाए ना इसकी। अब अल्लाह के वास्ते एक मसला खत्म करो। खुदा हाफिज़।